हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धोरीमन्ना क्षेत्र की ग्राम पंचायत भीमथल में ओरन भूमि में हो रहे अवैध अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर ग्राम पंचायत के लोगों ने सोमवार को बाड़मेर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। भीमथल से बाड़मेर जिला मुख्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि भीमथल गांव की ओरन भूमि में भूमाफियों ने पिछले 3 साल से अवैध अतिक्रमण कर रखा है और कई भूखंड भी निर्माण करवा रखे हैं। ज्ञापन के अनुसार खसरा संख्या 452, 275 और 276 में कई लोगों ने अतिक्रमण कर कच्चे पक्के मकान बना रखे हैं, जिससे गांव के लोगों में भयंकर रोष व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि ओरन भूमि पर हुए अतिक्रमण को लेकर ग्राम पंचायत के लोगों ने ग्राम सेवक, तहसीलदार, उपखंड अधिकारी समेत बाड़मेर जिला कलेक्टर को कई बार ज्ञापन भी सौंपा है, लेकिन अधिकारियों के उदासीन रवैये से भूमाफियों पर कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही और गांव की ओरन भूमि में अतिक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अतिक्रमण की शिकायत पर करीब 4 माह पूर्व तहसीलदार ने 70 अतिक्रमणों को चिन्हित कर उन्हें नोटिस भी जमाया था, लेकिन नोटिस केवल कागजी कार्रवाई बनकर ही रह गया। ग्रामीणों का स्थानीय प्रशासन पर आरोप है कि स्थानीय प्रशासन भूमाफियों के साथ मिला हुआ है, इसी वजह से अतिक्रमित लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। साथ ही ग्रामीणों ने भूमाफियों द्वारा ग्रामीणों को धमकाने का भी आरोप लगाया। जिला कलेक्टर के नाम सौंपे ज्ञापन में ग्रामीणों ने भीमस्थल की ओरन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाने की मांग की है। ज्ञापन के दौरान युवा कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश गोदारा, कुंभाराम, वृद्धाराम, भवराराम, वक्ताराम, तगाराम, रुकमनाराम, हेमाराम, खेताराम समेत दर्जनों ग्रामीण उपस्थित रहे। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकराराम मेघवाल की रिपोर्ट।